अस्सलामु अलैकुम रुबीना हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको अगेन वेलकम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी नुस्खे हैं एकदम देसी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्राई शुदा हैं। आज का जो नुस्खा मैं बताने जा रही हूँ वो स्किन के हवाले से है। ज़्यादातर मेरे नुस्खे स्किन के हवाले से होते हैं ताकि तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की दोस्तों की जो है वो स्किन के मसले होते हैं और उनके वो बताते हैं मुझे कि स्किन के मसले मसाइल के बारे में, तो इसलिए मैं ज़्यादातर नुस्खे जो है वो स्किन के हवाले से ही लाती हूँ। तो आज भी स्किन के हवाले से है, नहायत आसान है। तो मैंने आजमूदा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आजमाइश की गई है इन पर, फिर आपको जाके बताया गया है, ऐसे नहीं है कि मैं ही आपको बता दिया। तो आज स्किन के हवाले से है, आज आपने ऐसा करना है कि आपने अच्छी सी कंपनी की एक ब्लीच क्रीम लेनी है, आपने उतनी मकदार लेनी है जितनी अपने फेस पे कवर कर लें। आपने उस मकदार में एक स्पून आटा शामिल करना है। ये आजमाया गया है नुस्खा है, ये जादू है ये नुस्खा। इसे देख कर हम खुद हैरान हो गए क्योंकि इतना जल्दी फ़र्क पड़ सकता है हमने सोचा भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी बताया जाए। तो आपने ब्लीच क्रीम में एक स्पून जो है वो आटे की शामिल करनी है। स्किन अगर आपकी ऑयली हो तो आप इसमें लेमन भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो आप कुछ शामिल ना करें। बस ऐसे ही जो है आटा आपने ब्लीच में शामिल करके एक स्पून मिक्स अच्छी तरह से करके 15 मिनट तक लगा दें, और जब असर हो जाए तो 15 मिनट हो जाए तो आपने इसे अच्छी तरह से धो लेना है। अगर किसी की स्किन जो है वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती वो ऐसा करें कि 10 मिनट लगा सकते हैं, 8 भी चला लें आप। और उसके बाद जो है आपने अच्छी तरह से मुंह धो लेना है, नाजुक स्किन वाले 10 मिनट और जो जिनकी सही स्किन है नॉर्मली वो 15 मिनट तक लगाएं, फिर देखिए जादू कैसे होता है। आपने लाजमी ट्राई करना है, ये हर तरह की स्किन को जो है वो बिल्कुल सही कर देगा क्योंकि बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। आपने लाजमी ट्राई करना है इसे, और अपने दोस्तों को भी आपने ज़ोर शेयर करना है। आजमूदा नुस्खा है हमेशा की तरह। तो इंशाल्लाह ताला एक और बेहतर से बेहतर नुस्खे के साथ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।